वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज की इस वीडियो में दास साहब सब संगतां नाल बाबा जरनैल सिंह जी खालसा के जीवन की एक ऐसी घटना सांझी करेगा जिसनों सुन के तुसी अंदाजा लगा सकते हो कि बाबा जरनैल सिंह जी का सिखी नाल कितना प्यार सी। प्यारी साह संगत जी, एक बार का वाकया है कि संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा ट्रैक्टर के नाल पहली बार रहे सन। जदों घर तो प्रशादा खेत पहुँचा तो बाबा जी प्रशादा छकन लई बैठ गए, पर बाबा जरनैल सिंह जी ने अचानक पता लगा कि उन्होंने गात्रे वाली कृपान डिग पई है। ट्रैक्टर चलाउंदिया गात्रे वाली कृपान हिल हिल के गात्रे विचों निकल के ट्रैक्टर तो थले डिग पई और पिछे चल रहे कल्टीवेटर की मिट्टी नाल मिट्टी थले दबी गई। उन्हें काफ़ी समा कृपान की भाल की पर कोशिश करने के बावजूद भी कृपान ना मिली तो वह कह लगे कि जब तक मैं कृपान हासिल नहीं कर लेंदा तद तक मैं प्रशादा नहीं छकांगा। यह कह के बाबा जी खेतों तो घर चल गए और घरों होर कृपान प्राप्त की। अचानक बिसरी कार लिए अरदास की दोबारा खेत पहुँच गए। फिर उन्होंने प्रशादा छकिया और इस गल में बहुत महसूस किया कि कुछ समय लिए भी कृपान क्यों बिसर गई। जदों उन्होंने खेत में काम करने वाले होर आदमियों वालों पूछा गया कि कृपान बिसर जाने तुसी प्रशादा क्यों नहीं छकिया, उन्होंने दसिया कि यह पंजा प्यारा का हुक्म है कि पंज ककारां विचों एक भी ककार बिसर जाए तो उसनों प्राप्त किए बिना अन्न पानी नहीं छकना। वह गुरमत की रहनी रहत मर्यादा में शुरू तो ही चेतन सन और परिपक्ता नाल गुरमत असूलों की पालना करते सन। वैसे तो घर के सारे काम काज करद्या बाबा जरनैल सिंह जी खालसा हमेशा ही सिमरन भजन में लगे रहते सन, इसलिए वह कल्या ही काम करके प्रसन्न रहते सन। जेकर होर परिवारिक मैंबर नाल मिलके काम करते तो उस समय भी उन्होंने मन में यही भावना रही कि मेरे नाल काम करने वाला कोई व्यक्ति इधर उधर दल्ला करन नालों वाहेगुरु का सिमरन करे, इसलिए वह जो गुरु इतिहास की साखी सुना लग पेंदे सबना ही सिमरन कर ला लेंदे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।